तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं फिर से और एक स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। और ये जो सॉन्ग है हिंदी ओल्ड सॉन्ग है, तो पहले देख लिया वीडियो कैसा होने वाला। तो दोस्तों आप भी इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए, एकदम आसान है इस तरह स्टेटस बनाना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है, खराब लगता है, कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो वगैरह जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ आपको सभी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो आप भी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ऑप्शन को टच करना होगा। और जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और देखो जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट में आने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारा बिट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितने सारे बिट है यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना। और यहाँ पर जो रेक्टेंगल है इसको भी कुछ भी छेड़खानी नहीं करना आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो एकदम फास्ट में आपको आना है। और फास्ट में आने के बाद जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना है, तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना होगा। मीडिया ऑप्शन में आपको आना होगा। और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक फोटो मैं ऐड कर लिया हूँ। तो अब एक फोटो ऐड कर लेना। फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों ऊपर में जो थ्री डॉट है पर टच करना होगा। और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना, तो फोटो का जो साइज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो एकदम लास्ट में आपको आना होगा। लास्ट में आने के बाद जो ऑप्शन है पर टच करना होगा। तो फोटो का जो लेयर है देखो एकदम लास्ट में आ चुका है। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो फोटो लेयर है, फोटो लेयर को साइड में दबा कर रखना होगा। और जो रेक्टेंगल है उसके नीचे रख देना। तो कुछ इस तरह आपको देखो थोड़ा शेडो देखने को मिल जाएगा साइड साइड में। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो मेन फोटो है इसमें इफेक्ट देंगे। तो इसमें इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना है। इसमें आने के बाद दोस्तों फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्रीडॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर जो मेन फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रीडॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों अब क्या करना है, देखो आप लिरिक्स लिखेंगे तो सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए देखो फर्स्ट में जो बीट है इसमें म्यूजिक है, यहाँ पर लिरिक्स लिखना आपको नहीं होगा। तो लिरिक्स की जगह यहाँ पर आप अपना चैनल नाम दे देना। और देखो सेकंड बीट से आपको लिरिक्स लिखना होगा, तो सेकंड बीट को प्ले करके सुनना होगा। तो सबसे पहले सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना। तो देखो मैं आपको सुना देता हूँ। तो एक एक लाइन लिखना होगा, तो उसके लिए देखो सेकंड बीट में आ जाना और प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट में आ जाना और इधर से सॉन्ग लिरिक्स को लिख लेना। तो मेरा प्ले लिस्ट लिखा है, उधर से मैं कॉपी करके देखो यहाँ पर जो फर्स्ट जो लाइन है वो कॉपी कर लेना। और जो लिरिक्स है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से कॉपी करके नोटपैड ऐप में पेस्ट कर लेना। और फर्स्ट जो लाइन है वो कॉपी कर लेना और फिर से एलाइट मोशन में आ जाना, यहाँ पर पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद जो ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टच करना होगा, रोबोट रेगुलर ऑप्शन में आना होगा। और जो फोन है देखो ये फोन को सिलेक्ट करना होगा, तो फोन को सिलेक्ट कर लेना। फोन को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो बॉक्स है देखो ये वाला बॉक्स को टच करना होगा और इधर से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना। और इसका जो साइज है इधर से आप बढ़ा सकते हो और इधर से कम भी कर सकते हो, तो अपने हिसाब से इसको रख लेना। उसके बाद दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना होगा। और ऐसे करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एकदम लास्ट में आपको आना है, जो ऑप्शन यहाँ पर टच करना है। इसका जो पोजीशन है ना वो अभी ठीक करना नहीं होगा, इफेक्ट देने के बाद अपने आप वो पोजीशन में हो जाएगा ये लिरिक्स। तो इसको ऐसा करके मिडिल कट कर लेना। और मिडिल कट करना हो जाने के बाद दोस्तों एकदम एंड तक मिडिल कट कर लेना। देखो ये जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको मिडिल कट करना होगा, तो एकदम एंड तक मिडिल कट कर लेना। और मिडिल कट करने के बाद दोस्तों देखो सेकंड लिरिक्स लिखेंगे, तो सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए सॉन्ग को दोबारा प्ले करके सुन लेना। हमारे जो फर्स्ट जो लाइन है वो तो ऐड हो चुका है, तो सेकंड लिरिक्स लिखेंगे तो उसके लिए सॉन्ग को फिर से प्ले कर लेना। तो सॉन्ग को सुनने के बाद ये लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना, इसको पहले हटा देना। और फिर से नोटपैड ऐप में आपको आना होगा और इधर से सेकंड जो लाइन है वो कॉपी कर लेना। उसके बाद फिर से राइट मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। उसके बाद दोस्तों फिर से और एक बार टिक ऑप्शन को टिक करना, फिर से यही लिरिक्स यहाँ पर दोबारा यहाँ पर ऐड करना होगा, तो इसको फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो ऐसा करके आप सारे लिरिक्स को लिख लेना। और लिरिक्स लिखना हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, देखिए एक बार बैक हो जाना और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आपको आना होगा। और यहाँ पर जो इफेक्ट है ये इफेक्ट लेयर को टच करना, मतलब मेरे लेयर को टच करना होगा, मेरा नाम को आर जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और इधर से कॉपी लेयर कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना, सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट में आ जाना और
ऐसे करके देखो यहाँ पर जितने सारे लिरिक्स लेयर रहेगा सभी लेयर को ऐसे करके ऑल सिलेक्ट कर लेना। तो मैं सभी लेयर को अभी लिरिक्स मतलब लिखा नहीं, इसलिए मैं सभी लेयर को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग सारे लिरिक्स लिखने के बाद सभी लेयर को ऐसे ऑल सिलेक्ट कर लेना। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा, और यहाँ पर देखो पेस्ट स्टाइल के बगल में जो एरो ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा, इधर से देखो ये तीन ऑप्शन को हटाना है और ये डबल ए वाला ऑप्शन को हटाना है। खाली दो ऑप्शन को रखना है, मूव वाला और इफेक्ट वाला, और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो आपको सबसे पहले आपको ऐसा करके लिरिक्स को लिख लेना और इफेक्ट को देना होगा, और इफेक्ट देना हो जाने के बाद दोस्तों फर्स्ट में आना होगा। फर्स्ट में आने के बाद एक बॉर्डर को ऐड करेंगे, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आपको आना होगा, और जो पीएनजी बॉर्डर है ये पीएनजी बॉर्डर को ऐड करना होगा। तो सॉरी ये नहीं है, ये वाला पीएनजी बॉर्डर को ऐड कर लेना, उसके बाद एकदम लास्ट में आ जाना जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते कुछ इस तरह हमारा जो बॉर्डर है वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना, देखो तीन इमोजी ऐड करेंगे, तो इमोजी ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट में आ जाना और इधर से अपनी पसंद की तीन इमोजी को यहाँ पर ऐड कर लेना। तो देखो आपको दिखाने के लिए यहाँ पर तीन इमोजी ऐड कर लिया हूँ, तो अब भी तीन इमोजी ऐड कर लेना। उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा, और यहाँ पर जो 18 PDF ऑप्शन है इधर से इसका जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हो, तो अपने हिसाब से कर लेना। तो मैं 16 PDF रखने वाला हूँ। तो ये जो बॉक्स यहाँ पर टच करना, यहाँ पर मिडिल में जो ऑप्शन यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। उसके बाद दो बार टिक ऑप्शन को टिक करना, और देखो मोबाइल ऑप्शन में आपको टच करना, और ऐसा करके मुझे लेयर को रखना है। उसके बाद एकदम लास्ट में आना है, एक बार बैक हो जाना है और ये ऑप्शन यहाँ पर टच करना है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको लिरिक्स सॉरी इमोजी देखने को मिल जाएगा लेयर को। देखो तो ऐसा करके आप सबसे पहले स्टेटस को बना लेना, और स्टेटस बना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।